हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज जो शेयर लेके आए हैं उसका नाम है हेथवे केबल। आज हेथवे केबल में बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को आपको मिला होगा, और ये शेयर में एक आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी मूवमेंट होने को तैयार है। आज इसमें न्यूज आया कि रिलायंस इसमें स्टेक बाय करने को 25% स्टेक बाय करने को तैयार है। ऑल्सो देखिए तो आप देखिए सेंटिमेंट लेवल देखिए इसका 82% यहाँ पर दिखा रहा है, तो बाइंग परसेंटेज देखिए इसकी कितनी अच्छी है। ये आज क्या हुआ, ओपन हुआ आज आप देखेंगे तो ओपन हुआ 29 रुपये 80 पैसे पे, हाई गया 29.50, लो गया 29.50 और 31.15 को हाई गया। और ये लगभग आपने जो क्लोज दिया है 31.15 से बहुत नियरेस्ट में जा करके दिया, 5% का गेन बताया है। वॉल्यूम देखिए 66 लाख शेयर का इसमें डील हुआ है, वॉल्यूम भी अच्छा इसमें दिखने को मिल रहा है और अच्छे खासा इसमें डेप्थ देखने को मिल रहा है। और अगर रिलायंस जैसी कंपनी स्टेक लेती है तो ये शेयर कहीं से कहीं पर पहुँच सकता है। इसके डिलीवरी परसेंटेज भी देखिए तो ये न्यूज़ फ्लो के कारण ऑलरेडी ये चल रही थी, ऑलरेडी शायद किसी न किसी को तो मालूम था, तो ये देखिएगा तो अच्छा खासा ये चल रही थी 65%, 61%, 55% और 66% की आज की डिलीवरी है। तो डिलीवरी भी बहुत अच्छा दिख रहा है इसमें, डिलीवरी परसेंटेज बहुत ही अच्छा चल रहा है ये। और आपको सिर्फ प्राइस बुक वैल्यू का देखिए सिर्फ 3 टाइम्स में मिल रहा है इसके, अगर प्राइस बुक वैल्यू देखिए तो 9 करोड़ की है तो सिर्फ 3 टाइम्स में आपको मिल रहा है ये, 9 रुपीज़ है तो उसको आपको 3 टाइम्स में ये मिल रहा है, करोड़ नहीं रुपीज़ में, तो आपको बहुत ही सस्ते भाव में आपको यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप और इसका सेंटिमेंट भी देख लिया आपने, पॉजिटिव भी है। अगर मैं आपको दिखाने जाऊँ इसका मूविंग एवरेज तो देखिए 200 डेज का मूविंग एवरेज 30 है एनएसई में, तो आप इसको भी ये क्रॉस करके आज कितने पे क्लोज दे रहा है तो 30-35 पे, तो 200 डेज के मूविंग एवरेज को भी ये क्रॉस कर रहा है, एक और अच्छी बात है इसमें। और भी देखेंगे तो आप इसको रिटर्न भी देखेंगे तो इसका 1 वीक का गेन 21% है, 2 वीक का 19% गेन है, तो ये कंटिन्यूस 1 महीने से ये गेन दे रहा था, अच्छा खासा गेन दे रहा था। और अपने 16-3 मंथ में देखे 16 रुपये 10 पैसे था, तो वहाँ से गेन बढ़ते 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 ये कहाँ तक पहुँच चुका है। और आगे देखें तो अभी आप देखेंगे इसके शेयर होल्डिंग परसेंट देखें तो शेयर होल्डर ने खुद इसको बाइंग किया है, इसकी जो होल्डिंग थी 43% थी और अब वापस इसको बाई किया गया है और प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ी है अभी इसमें, तो अच्छी बात है। इस मेन में जो प्रमोटर हैं आप देखेंगे यहाँ पे हेथवे इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड खुद है, इसपुर केबल लिमिटेड डाटा कॉम है, वीरेन राजन रहेजा जी हैं 13% से, और अक्षय राजन रहेजा ये दोनों मेन जो प्रमोटर हैं ये दोनों हैं, तो ये दोनों के पास अच्छी खासी वॉल्यूम से यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए ये शेयर का कोई भी चीज़ प्लीज में देखा, गिरवी में इन्होंने कुछ भी नहीं रखा, एक अच्छा चीज़ मैं हर समय बोलता हूँ अगर देखना है तो ये देखिए कि ये कोई गिरवी तो नहीं रखा गया है ना, तो इन्होंने कोई भी गिरवी नहीं रखा है, किसी चीज़ को भी गिरवी नहीं रखा है, तो ये एक अच्छा पोजीशन दिखा था हर समय भी कभी भी आपको देखना हो। और अगर हम देखने जाए तो इसमें ये न्यूज़ देखिए, एक न्यूज़ आज यहाँ पे छपा है, हेथवे केबल एंड डेन नेटवर्क्स रैली अप टू 8% ऑन रिलायंस शेयर बायबैक। ये न्यूज़ क्या है, शेयर्स ऑफ हेथवे केबल एंड डाटाकॉम नेटवर्क्स जंप टू 8%, रिलायंस सून बाय कंट्रोलिंग स्टेक इन टू ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट केबल टीवी एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। द मूव में हेल्ड रिलायंस रैंप अप कवरेज ऑफ इट्स एम्बिगुअस हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क, उसका तो जियो है ही आपको मालूम है, जियो उसके साथ है, तो ये नेटवर्किंग लेकर के हाई स्पीड इसको जब इसको चलाना होगा तो लेगा, उसका मेन पर्पस क्या है तो आप देखेंगे, की पीपल विद डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द डेवलपमेंट सेट रिलायंस इज लाइकली टू ऑन मोर देन 25% ईच इन टू कंपनीज, वो 25% से ज़्यादा स्टेक लेकर उसके प्रमोटर जो कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल डेवलपमेंट एंड से सीट ऑन द बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेगा और उसके कंट्रोलिंग करेगा, क्योंकि उसका मेन कंट्रोल चाहिए। अगर ये कंट्रोल करता है तो ये शेयर आपको अच्छे खासे भाव में भी मिल सकता है। ऑलरेडी ये बहुत पहले ये 600 का भी शेयर हुआ करता था लेकिन स्प्लिट होकर के गिरा था नीचे, स्प्लिट होकर के आप देखेंगे यहाँ पे तो स्प्लिट हुआ है ये शेयर, आप देखिए यहाँ पे ये स्प्लिट 6 जनवरी 2015 को स्प्लिट हुआ है, पहले 300 रुपये का शेयर हुआ करता था, तो यहाँ पे स्प्लिट हुआ कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो इसमें एक चार्ट देखिए, इसमें अभी ये आपको आप यहाँ पे देखिए इसका बाइंग सिग्नल जनरेट हुई है, अगर आप मैं आपको दिखाऊँ इसमें बाइंग सिग्नल तो आपको देखिए यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल जनरेट हो रही है प्लस की ओर। आप इसकी एमएससीडी की लाइन देखिए, ये देखिए ब्लू लाइन कैसे क्रॉस कर रही है, ब्लू लाइन जो है इसको क्रॉस करते हुए एमएससीडी में यहाँ पे एवरेज लाइन को क्रॉस कर रही है। अगर मैं आरएसआई भी दिखाऊं तो आरएसआई भी ये बहुत ज़्यादा नहीं 67 के आसपास दिख रही है, और आज इसने क्या किया है यहाँ से सीधा जंप लेते हुए यहाँ पे सीधा आपको 30 रुपये की क्लोजिंग दी है, हाई 31 का बनाया है, तो ये एक पैटर्न देखेंगे हाई की ओर बन रहा है, यहाँ तक लो था
और ये देखिए ये क्या बेरिस रिवर्सल है और हाई पैटर्न बना है, तो इस शेयर को आप पोजीशन में भी बाय करके रख सकते हैं, इंट्राडे करें चाहे नहीं करें, इसको अगर पोजीशनल में बाय करके रखें तो जो इसका 52 वीक का जो हाई था जो आप देखेंगे 48.70, तो यहाँ तक तो जाएगा ही, तो यहाँ तो आपको गेन मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर रिलायंस का स्टेक है तो ये आगे जा करके एक अच्छा काम करेगा, और चूंकि जियो के साथ मिलकर काम करेगा, जियो के सपोर्ट में ये काम करेगा, तो ये हो सकता है आपको और भी अच्छा खासा आपको वैल्यू देके जाए। तो आपको अगर कहें तो 500 शेयर भी अगर आप अपने पेपर ट्रेडिंग में रखें, इसको 500 मिले तो 15,000 का सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा आपको, और ये एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है, आप समझे। तो यहाँ पे आप 15,000 का इन्वेस्टमेंट करके 5,00,000 रुपये निकाल सकते हैं 4 साल से 5 साल में। तो आप चाहिए तो इसको पेपर ट्रेडिंग करके देखें, वॉच में लिस्ट में अपने रखें, अगर अच्छे रेट में मिलता नीचे आता तो वापस एवरेज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 15-17 रुपये तो कभी आएगा नहीं, आएगा तो आप खरीद लीजिए इसको। और ये जो पैटर्न दिखा रहा है ये अच्छा रिवर्सल पैटर्न है, यहीं से आप देखेंगे हर बार ये रिटर्न भी होता है, आप देखेंगे तो 30 का जो लेवल है ये अच्छा खासा इसका क्रूशियल लेवल है, और यहाँ से ये सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर निकल जाता है। आप देखिए यहीं से यहाँ पे भी गया था और यहाँ से ये ऊपर जाके यहाँ पे जनरेट हुआ था सिग्नल, तो ऊपर की ओर गया था, तो एक अच्छा खासा पैटर्न भी है इसका, यहाँ से जाता है तो ये यहाँ पे ये 30 का जो लेवल है 30-64 एक अच्छा लेवल है, यहीं से ये अप लेता है और यहीं पे से आप ऊपर से देखेंगे तो यहीं से आके ऊपर जप ले लेता था, तो मतलब 30 पहले ब्रेक नहीं करता था, बट ये यहाँ पे ब्रेक किया था और लो बना दिया था, फिर यहाँ ब्रेक करके लो बनाया था, तो इसका पहली जो सपोर्ट थी यहाँ पे थी, तो अब यहाँ से सपोर्ट तोड़ करके ये निकला था यहाँ पे, तो आप इस सपोर्ट पे बात करें 26-47 तोड़ के ये नीचे गया था, अब यहाँ पे भी देखे थे ये 26-47 में 27 रुपये के आसपास तोड़ करके ये नीचे निकला था, इस सपोर्ट पे ही जंप लेता था, पहले तो उसको तोड़ नहीं रहा था, उसको तोड़ के ये नीचे आया था, तो अच्छा खासा नीचे भी मिल रहा था 22-24 रुपये पे, बट अब इसने रिवर्सल लिया है, और अब जो रिवर्सल लिया यहाँ पे थोड़ा दिन यहाँ से खड़ा भी था यहाँ पे बहुत दिन तक, तो अब इसमें आप थोड़ा सा अपवर्ड देखेंगे, न्यूज़ जो है रिलायंस के पास, रिलायंस इसको बाय कर आपको न्यूज़ तो दिखाई दिया, तो ये शेयर एक अच्छा रिटर्न आपको फ्यूचर में दे सकता है, तो इसको पोर्टफोलियो में पोजिशनल बेसिस पे लेकर के रख सकते हैं, और जिसको स्विंग ट्रेडिंग करना वो स्विंग ट्रेडिंग भी पोजिशनल बेस पे कर सकते हैं, अगर आपको सप्ताह भर रख करके करना है तो आप इसको रख करके सिर्फ सप्ताह भर में निकल सकते हैं, तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी इसमें यूज कर सकते हैं, अदरवाइज पोजिशनल बेस पे तो ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा ही देगा। ये एजुकेशन पर्पज से वीडियो था, और आपको अगर इसमें पोजिशन बनाना है तो आप फाइनेंशियल अपने एडवाइजर से लेके ही इसमें पोजिशन बनाएं, ये सिर्फ मेरा एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो मैंने बनाया था, आप पेपर ट्रेडिंग करके इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।